हाय दोस्तों, आप सबका स्वागत है आप सबके अपने चैनल यानी अरहान एंटरटेनमेंट में। मैं हूँ राशि चेक। तो यार, बॉलीवुड की फिल्में तो आप लोग ने ऑलरेडी बहुत सारी देख चुकी है और बॉलीवुड की अभी कुछ ऐसी फिल्में रिलीज हो भी नहीं रही है। और फिलहाल आपको पता है कि कोरोना वायरस के चलते सारे के सारे लोग अभी घरों में बंद है, तो मैं सोचा कुछ ऐसी फिल्में आप लोगों को सजेस्ट करूं जो अपनी फैमिली के साथ बैठ के इजिली देख सको और इजिली आपको ये कहीं भी ओटीटी प्लेटफॉर्म में मिल जाए। तो आज हम लोग इस फिल्म के बारे बात करेंगे। ये दो फिल्में और दोनों अलग अलग इंडस्ट्री को बिलोंग करती है, लेकिन दोनों ही फिल्म हमारी इंडिया की है। आज मैं बात कर रहा हूं एक कनाडा फिल्म जिसका नाम है प्रकारा और दूसरी फिल्म एक तेलुगु मूवी जिसका नाम है एजेंट साई श्रीनिवास अत्रेया। तो दोनों फिल्म का मैं रिव्यू कर रहा हूं क्योंकि मेरे हिसाब से ऐसा फील हो रहा है मुझे कि दोनों फिल्म आप लोगों को देखनी चाहिए। और दोनों ही फिल्मों के बारे में एक बात कॉमन है, ये है कि दोनों फिल्म बहुत अच्छी है, लेकिन बहुत ही कम ऑडियंस ने इन दोनों फिल्मों को देखी है। कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा ऑडियंस इन दोनों फिल्मों को देखे और इंजॉय करे। और हाँ, एक नेटफ्लिक्स की सीरीज भी मैं देख रहा था, लेकिन मुझे काफी डार्क फील हुई। तो मैं सोचा कि अभी फिलहाल जिस तरीके का मौसम चल रहा, तो मुझे नहीं लगता कि ऑडियंस पूरी फैमिली के साथ बैठ के वो सीरीज देख पाएगी। लेकिन हाँ, ये दोनों फिल्में तो वो जरूर देखेंगी। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कनाडा मूवी जिसका नाम है नन्ना प्रकारा, जिसमें हमें नजर आते हैं किशोर, प्रियामणि और मयूरी। इसे डायरेक्ट किया है विनय बालाजी ने। कहानी की बात करो तो कहानी शुरू होती है पुलिस इंस्पेक्टर अशोक, जिसका रोल यहाँ पे प्ले किया है किशोर ने, और उनकी वाइफ का यहाँ पे रोल प्ले करी प्रियामणि, जिनका इस मूवी में नाम है डॉक्टर अमृता। तो कहानी में ट्विस्ट अब आता है जब इंस्पेक्टर अशोक को एक केस सौंपा जाता है। वो केस होता है एक लड़की जिसका नाम है विश्वया सूर्य, जिसकी इसी हफ्ते शादी होने वाली थी, लेकिन ठीक शादी से पहले उसका कार एक्सीडेंट में मौत हो गई। तो क्या वाकई में ये रियल एक्सीडेंट था या इसके पीछे कुछ और साजिश है, ये सब कुछ जानने के लिए आपको ये फिल्म देखनी पड़ी जिसका नाम है नन्ना प्रकारा। अब मैं बताता हूँ ये फिल्म मुझे कैसे लगी। तो देखिए, इस फिल्म का जो रियल हीरो है वो है इसके डायरेक्टर, जिन्होंने इस फिल्म को लिखा भी और स्क्रीन प्ले भी उनका, जिसका नाम है विनय बालाजी। उन्होंने स्टार्ट से लेकर एंड तक इस फिल्म को इतना जबरदस्त तरीके से एग्जीक्यूट किया कि आप पूरे वक्त आप स्क्रीन के सामने बैठे रहोगे और आप यही सोचोगे कि ये किस तरह से हुआ। हालांकि इस तरीके की हमने काफी फिल्में देखी, लेकिन जिस तरह से इसको यहाँ पर एग्जीक्यूट किया वो बहुत अच्छा लगता है। प्लस यहाँ पर बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत अच्छी है और एक्टर्स का परफॉर्मेंस मुझे बहुत शानदार लगा। तो कुल मिला के ये फिल्म आपकी फैमिली के साथ आप जरूर देखना, आपको बहुत अच्छी लगेगी। तो अब मैं बात करता हूँ एक दूसरी मूवी जो है तेलुगु मूवी जिसका नाम है एजेंट साई श्रीनिवास अत्रेया। ये एक तेलुगु कॉमेडी थ्रिलर मूवी, और मैं बता दूं कि इस तरीके की मूवी देखने में जो मजा है ना, वो मजा मैं आपको यहाँ पर बता भी नहीं सकता, क्योंकि मैंने आज से पहले ऐसी फिल्म देखा नहीं जहाँ पर आपको कॉमेडी देखने मिलेगा, साथ साथ आपको इन्वेस्टिगेशन भी देखने मिलेगा। ये फिल्म में आप लोग सोच रहे हो कि यार इन्वेस्टिगेशन वाले हमने बहुत सारी फिल्में देखी, लेकिन ये फिल्म में जो चीजें बताई है ना वो बहुत ही अलग है। और साथ साथ इस फिल्म में जो मैसेज देने की डायरेक्टर ने कोशिश की है वो आपकी सोच बदल के रख देगा। प्लस यहाँ पर ये फिल्म की बात करो तो इस फिल्म में आपको कॉमेडी देखने को मिलेगी, इमोशंस देखने को मिलेंगे और बढ़िया इन्वेस्टिगेशन सीन्स और बढ़िया थ्रिलर, बढ़िया सस्पेंस देखने को मिलेगा। इस फिल्म की जो मेन जान वही है कि अगर आप कॉमेडी चल रहा ना जब स्क्रीन पर, तो आपको हंसी आएगी। जब आपको इमोशनल सीन बताएगा तो आपको इमोशनल भी फील होगा। जब आपको कुछ ऐसी चीज दिखाएगी जहां पर आपको थ्रिल और सस्पेंस महसूस होना चाहिए, तो वो चीजें आपको महसूस होती है। ये फिल्म की सबसे अच्छी बात है। और तेलुगु फिल्म होने की वजह से या नवीन पोलिशेट्टी इसमें हीरो थे, पता नहीं क्या बात थी, लेकिन ये फिल्म बहुत ही कम ऑडियंस ने देखी और मैं चाहता हूं कि ये फिल्म बहुत ज्यादा ऑडियंस में देखे। खैर, इस फिल्म की कहानी की बात हो तो कहानी शुरू होती नवीन पोलिशेट्टी, जिसने यहाँ पर रोल प्ले किया डिटेक्टिव अत्रेया का, जो अपने आपको शर्लॉक होम्स ही मानते हैं। और वो इतने ज्यादा फनी कैरेक्टर की मैं आपको बता नहीं सकता, लेकिन फनी के साथ साथ वो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट भी है। लेकिन वो इतना ज्यादा इंटेलिजेंट होने के बावजूद भी उसने अपनी लाइफ में कोई बड़े केस सॉल्व नहीं किया। उसके साथ पास्ट में कुछ ऐसी ट्रेजेडी हुई जो आप इस फिल्म में देख लोगे। खैर, एक दिन उसकी लाइफ में ऐसा ट्विस्ट आता है, उसके बाद उसकी लाइफ बदल जाती है। उसके बाद कहानी में क्या ट्विस्ट एंड टर्न्स आते हैं, ये सब कुछ जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी पड़ेगी जिसका नाम है एजेंट साई श्रीनिवास अत्रेया। मैं इतना ही बोल सकता हूं कि दोनों ही फिल्म, चाहे नन्ना प्रकारा हो या ये फिल्म हो, दोनों ही फिल्म आपका दिल खुश कर देगी। लेकिन अगर एजेंट साई श्रीनिवास अत्रेया की बात हो तो इसका बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत अलग है, इसकी जो कॉमिक सीन्स है वो मतलब आपको हंसाती है, इसके जो इमोशनल जो टच है इसमें वो आपको डेफिनेटली इमोशनल फील कराता है। अगर आप दिल से कोई फिल्म को देखते हो तो आपको डेफिनेटली इमोशनल होगा। और साथ साथ इस फिल्म की अगर मैं केमिस्ट्री की बात करूं तो जो एजेंट है हमारे अत्रेया, उसको जो साथ निभा रही श्रुति शर्मा, उनका रोल बहुत अच्छा है और दोनों की केमिस्ट्री मुझे बहुत अच्छी लग रही थी। और मैं इतना ही बोलूंगा, जितना काम एजेंट का उतना काम उस लड़की का भी है, श्रुति शर्मा जिसने यहाँ पर रोल प्ले किया, बहुत अच्छा लग रहा था। कुल मिला के ये फिल्म आपको बहुत कुछ मैसेज देती है, बहुत कुछ अच्छी चीजें सिखाती है, साथ साथ जो एक सस्पेंस और थ्रिलर फिल्म में होना चाहिए वो भी दिखाती है। साथ साथ कॉमेडी जिस तरीके से, इस तरीके की सीरियस मूवी को जिस तरीके से लोग ने कॉमेडी का तड़का डाला है वो तो मतलब एक नेक्स्ट ही लेवल पे लेके जाती है। और कुल मिला के परफॉर्मेंस की बात करूं तो भाई, नवीन पोलिशेट्टी की मैंने इससे पहले कोई फिल्म देखा नहीं था, लेकिन ये फिल्म देखने के बाद मैं इतना कह सकता हूँ कि यार ये भी एक बेहतरीन एक्टर में से। अगर मैं बता दूं कि नवीन पोलिशेट्टी एक बहुत ही अच्छा राइटर भी है,
डायरेक्शन की बात करो तो स्वरूप ने बहुत अच्छा डायरेक्शन किया। साथ साथ ही मैं बता दूं एक खास बात कि इस फिल्म का जो स्क्रीन प्ले है वो डायरेक्टर स्वरूप और नवीन पॉली शेट्टी दोनों ने मिलकर लिखा है, जो कि बहुत ही शानदार बात है, क्योंकि एक एक्टर के साथ साथ ये इतने जबरदस्त राइटर है कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता। इसी जैसे सेम एक और है हमारे इंडिया में, वो है रक्षित शेट्टी। जिसको नहीं पता मैं बता दूं, एशियन का जो एक्टर है रक्षित शेट्टी, वो एक लिरिसिक्स है, एक राइटर है, वो मतलब एक अच्छे डायरेक्टर भी है। तो उन्हीं की जरा समझ लो, उनसी जीरोक्स कॉपी समझ लो नवीन पॉली शेट्टी भी है। और मेरे हिसाब से कुछ जो ये आजकल के जो यूथ एक्टर्स है ना, ये आगे चल के सिनेमा को चेंज कर देंगे डेफिनेटली। और साउथ की फिल्म में जितने ऑडियंस देखती है ना, इन लोगों की वजह से ऑडियंस और भी ज्यादा देखेगी। तो मैं तो बस इतना बोल रहा हूँ कि अगर आप घर में बैठे हो और चाहते हो कुछ अच्छी फिल्में देखना, कुछ अच्छी साउथ की फिल्में देखना, तो ये दोनों फिल्में आपको अमेजोन प्राइम वीडियोज पे मिल जाएगी। दोनों ही फिल्म आपको विद इंग्लिश सबटाइटल मिलेगी। और यार इस वीडियो में इतना, अगर आपको वीडियो जरा भी पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। बस मैं हूँ राशि से, आप सबको मिलूंगा अरहान एंटरटेनमेंट में। दुआ में याद रखना।